ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माया सिंह ने फूलबाग परिसर स्थित एएमआई शिशु मंदिर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि उन्हें जनता के निर्णय पर पूरा भरोसा है और जनता सरकार के विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही दावा करे लेकिन जनता का फैसला अंतिम होता है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताएगी। उधर ग्वालियर पूर्व की प्रत्याशी माया सिंह ने कहा, सभी लोग वोटिंग पेरेंट्स बढ़ाने के लिए परसेंटेज बढ़ाने के लिए आशान्वित है, वहीं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और उसी के साथ आने वाले समय में इस सफर को हम लोग निरंतर रखेंगे। और अभी ज्योतिरादित्य जी आ रहे हैं, आने के बाद फिर आपसे एक साथ बात करें। इस बार वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लगता है बीजेपी को फायदा होगा? सब जरूर जरूर होगा फायदा, और भी सभी लोगों से कहा है भी मतदान करने के लिए, क्योंकि मत देने का अधिकार जो है संविधान के तहत हमें मिला है, तो उसका उपयोग सब लोगों को भी इस बात को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो सब समझ रहे हैं।